एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब हो? आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। मैंने वियर करा है ये कॉर्ड सेट जो कि ब्लैक कलर का, इसमें इस तरीके से फर है और ऊपर ना जिपर नहीं है, यहाँ तक ही जिप है, बाकी टॉप वाला है और बहुत प्यारा है यार, सच में बहुत वार्म है। मैंने इसके जो वार्मर भी पहना है फिर भी। और हम लोग जा रहे हैं फाइनली कहीं घूमने, बट अभी मुझे ये नहीं पता कौन कौन जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं ये भी नहीं पता। पहले हमारा मूवी का प्लान बना, बट हमें चाहिए थी लेटने वाली टिकट, क्योंकि मेरे को ये था सब मना कर रहे, रोना नहीं जाएगी। मैं कहा नहीं, जब हम सब जाएंगे वो अकेले घर में रहेगी, ये भी जाएगी, क्योंकि जब मैं यहाँ जाती हूँ उसकी और मेरी बॉन्डिंग इतनी तगड़ी हो जाती है कि ये मेरे से चिपकी रहती है, मैं इससे चिपकी रहती हूँ। आप लोग व्लॉग में देखते भी होंगे और कुछ लोग इसको लेके उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं कि दिखाते हैं दिखाते हैं, बस ऐसी हवाबाजी। सो नीनू घूमी जाना है, देखा इसको भी घूमी जाना है। तो अभी बेबी पढ़ रहा है बहुत। गाइज सीरियसली, थू थू से नजर ना लगे, इसकी ना पेन पकड़ने की जो ग्रिप, मतलब इतना क्लियर ये पेन पकड़ती है, आप लोग खुद देखो। ये देखो नीनू, पढ़ के दिखाना बेटा सबको, नीचे उतर के पढ़ेगा मेरा बेटू। आई उई, देखो मैं आप लोगों को इसका पेन पकड़ना दिखाती हूँ। ये देखो, ये प्रॉपर ऐसे पेन पकड़ती है जैसे कोई पढ़ने वाला बच्चा पकड़ रहा हो। तो इसकी अभी से इतनी अच्छी ग्रिप है, तो अगर इसे मैं बिल्कुल बहुत अच्छे स्कूल में डाल के, स्कूल तो देखो सब अच्छे होते हैं बच्चे के पढ़ने के ऊपर होता है, मतलब इसके ऊपर ध्यान दूंगी ना तो ये काफी अच्छी देगी पढ़ने में, मुझे ऐसा लगता है अभी। सो देखते आगे आगे, अब इसका नेक्स्ट जो गर्मी आएंगी ना उसमें तो इसको मैं प्ले भेज दूंगी, हमने पहले डिसाइड कर रखा है अब की गर्मियों में ये प्ले जाएगी। सो मैं मेकअप करने जा रही थी, लेंसेज मैंने नहा के मॉइस्चराइजर यूज करा था क्योर स्किन का, और अब मैंने लेंस लगा ली है, बाकी अब मेकअप करूंगी आप लोगों के साथ स्किन केयर को लेके कुछ बातें करते हुए। सो गाइस, यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना मेकअप, और आज मैंने ना ब्लैक आउटफिट के साथ ये लेवेंडर कलर का लाइनर लगाया है। और मेकअप करने के बाद हम आपसे करेंगे बातें, क्योंकि मेकअप करते करते ना मुझे टाइम नहीं मिला गाइस करने का इसलिए, और मेकअप भी मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई क्योंकि हर बार क्या लग रही हूं मैं। गाइस इसको, इसके आउटफिट का आइडिया मैंने दिया है, दिखाई मैंने बोला इसको कि पिंक और वाइट अंदर इनर और ये ब्लू जीन्स पहन, ये सारे इसके क्लोथ्स नहीं होते बट इसे डिज़ाइन करने नहीं आते ना। सो स्किन केयर की जहाँ पे बात आती है ना गाइज, वहाँ पर मैं मेकअप से पहले अच्छे से ना, उसको पता नहीं मेरे को बोलना नहीं आ रहा, CTM बोलते हैं क्या बोलते हैं, मतलब मैं अच्छे से मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन, मैं ठंड में भी सनस्क्रीन लगाती हूँ, ये आपने पता नहीं सब लगाते होंगे वैसे, पता नहीं कौन लगाता है कौन नहीं, बट मैं तो ठंड में भी सनस्क्रीन लगाती हूँ। वीडियो पे लास्टली कॉमेंट आया था डी प्रेरणा दीदी का व्लॉग ना बहुत नीचे चला गया, प्लीज उनका स्किन केयर क्योर स्किन वाला शेयर कर दो। क्योर स्किन का लिंक ना आज मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को क्योर स्किन, अभी मैं थोड़ा सा पूरा अपना मेकअप कर लूँ फिर बैठ के बात करते हैं हम लोग। हाँ जी गाइस, सो माय मेकअप इज फाइनली डन नाउ, कैसी लग रही हूँ मैं बताना जरूर। तो हाँ जी, अब यहाँ पे ना मेकअप की बातें खत्म करके, मेकअप के पीछे वाली जो स्किन होती है अच्छी, काफी सारे ना मेरे पास आजकल कमेंट्स भी आ रहे हैं कि दीदी एक बार क्योर स्किन का लिंक देना लिंक देना। सो मैंने सोचा लिंक क्या दूं, मैं आप लोगों को एक बार ब्लॉग में ही बता देती हूँ। सो गाइज बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, एक तो आप सब मुझे दीदी बोलते हो, मेरे से बड़े हो वो भी मुझे दीदी बोलते हैं कि दीदी एक बार बता दो कौन से प्रोडक्ट यूज करे कौन से प्रोडक्ट ना यूज करे, सबको डाउट होता है यार कि हमारे स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो आज वो सारे डाउट क्लियर करने के लिए ना मैं आपके सामने आई हूँ, आपको बताने वाली हूँ। गाइस सबको ये डाउट होता है कि क्या लगाए फेस पे, क्या मतलब किसके पास जाए, कौन रिकमेंड करेगा, क्या फीस लगेगी, कितने पैसे देने पड़ेंगे, तो ये वाली सारी चीजें ना आपकी एक ब्रांड जरूर यूज करो क्योर स्किन, जो मैं पर्सनली यूज कर रही हूँ। मेरी स्किन पे काफी ज्यादा पहले पिगमेंटेशन डलनेस आ गई थी और अब आपको दिखता होगा, मेकअप के पहले भी मैंने आपको अपनी स्किन दिखाई है, मेकअप के बाद भी दिखा रही हूँ नॉर्मल सा मेकअप कितना ग्लो कर रहा है, क्योंकि अगर आपकी स्किन अच्छी होगी ना देन आपका मेकअप भी बहुत अच्छा ग्लो करेगा। तो इसके लिए मैं यूज करती हूँ क्योर स्किन के प्रोडक्ट्स, और मैं आपको बता दूं मुझे क्योर स्किन से प्रोडक्ट्स मंगाने के लिए मतलब कुछ ज्यादा कंसल्टेशन, कोई डाइट के पैसे, डॉक्टर की फीस वगैरह कुछ नहीं देना पड़ता, क्योंकि सबके मन में झिझक रहती है यार यूज तो कर लेंगे बाद में, मतलब ऑर्डर कर ले कहीं हमें रिजल्ट मिले ना मिले, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जी क्योर स्किन के साथ। एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योर स्किन ना एकमात्र ऐसा ब्रांड है जो पहले आपकी स्किन एनालाइज करेगा, आप विदाउट मेकअप अपना मुंह धोके एक बार एनालाइज कर लो, मैं जैसे एनालाइज करती हूँ, मैं यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर अपना लगा रही हूँ, आप लोग खुद देखो एनालाइज करके, जस्ट मुझे पता चल जाता था ये मेरा अभी एक डेढ़ साल पुराना एनालाइज है, इसमें आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना ज्यादा पिंपल आने सब शो हो रहे होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे, एक आधे जो रेगुलर बाहर का खाना वाने की वजह से निकल जाते हैं या फिर ध्यान ना रखने की वजह से निकल जाते हैं। मेरी किट में 3 से 4 चीजें, एक मॉइस्चराइजर है, सनस्क्रीन है, एक लोशन है, एक मेरी एक्ने क्रीम है, एक मेरा फेस वॉश है, ये पूरी किट मैंने 1500 रुपए में ऑर्डर करी थी, बट आप लोगों को तो मैं ऑफर बता दूंगी आपको 1500 से भी और सस्ती पड़ जाएगी। मैं आपको बता दूं क्योर स्किन में आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना,
कोई टेंशन नहीं रहेगी, डर नहीं रहेगा कि हाँ ये चीज यूज कर सकते नहीं कर सकते, क्योंकि पहले आपकी स्किन एनालाइज होगी, आपकी प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जो मेरी केट है वही आपको छेप दी कि हाँ भाई प्रेरणा यूज कर रही है आप भी यूज कर लो, ऐसा नहीं है। जो आपकी प्रॉब्लम निकलेगी, हो सकता है आपके एक्ने ना हो, आपको डार्क सर्कल्स ना हो, डार्क पिगमेंटेशन ना हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना डॉक्टर आपकी, खुद मेरी पर्सनल डॉक्टर मुझे दे रखी है, सबको यहाँ पे अपनी पर्सनल डॉक्टर मिलती है। सो आप लोगों का फेस एनालाइज करके आपको किट देंगे कि हाँ जी आपकी ये प्रॉब्लम है, आप लोग इस पे काम करो और ये प्रोडक्ट करो, आपका फॉलोअप लेंगे, आपको डाइट चार्ट देंगे, हर मतलब 15 से 20 दिन में खुद आपके पास कॉल आ जाएगी, चैट कर सकते हो कभी मर्जी भी आप डॉक्टर से ऐप में ही जाके, हर लैंग्वेज में उसमें सारी लैंग्वेज अवेलेबल है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी और जो भी लैंग्वेज होती है सारी लैंग्वेजेस है, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो और आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। आपको एक किट में ना कंसल्टेशन, डाइट, फॉलोअप सब फ्री मिल रहा है सिर्फ किट में, और अगर आप कोई और ऐप यूज करते हो या फिर किसी डॉक्टर के पास जाते हो आपको कंसल्ट का, फॉलोअप का, कॉल्स के, मैसेजेस के, सबके पे करने पड़ेंगे, बट क्योर स्किन में गाइस ऐसा। सो गाइस सॉरी मुझे कट करना पड़ा क्योंकि मेरा भाई आ गया था, ये हमेशा मुझे तंग करता रहता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप भी चाहते हो क्योर स्किन ऐप डाउनलोड करना तो आप लोगों को सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, कमेंट में भी पिन है, आप मेरे कमेंट में से भी वहां पे लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे पहले 100 सब्सक्राइबर्स हैं और जाकर कर रहे हैं क्योर स्किन ऐप से कुछ ऑर्डर, तो आपको कोड यूज करना है प्रेरणा 300 सब कैपिटल में लिखना है, और उसके बाद आपको आपकी 1500 की किट पे 300 रुपए का जो एमआरपी प्राइस है उससे भी 300 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे नहीं मिला बट आप लोगों को डिस्काउंट मिलने वाला है। सो अगर आप चाहते हो कि और स्किन आप यूज करना मित्रा ग्लोई स्किन चाना, सो लिंक पे जाओ फटाफट से, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करो, वहां से ऐप डाउनलोड करो और कोड जरूर यूज करना किट ऑर्डर करने से पहले, एनालाइज करते रहा करो, चेक करते रहा करो, ताकि आपका फेस भी आपको पता चलता रहे कितना ग्लो कर रहा है कितना नहीं कर रहा। बट ये चीजें तो ना डॉक्टर फ्री में खुद ही ध्यान रखते हैं कि कितना रिजल्ट आया है, नहीं आया है, क्या चेंज करना है, कौन सी डाइट देनी है, ये कोई और आपको नहीं देगा, सिर्फ मेरे फेवरेट ऐप क्योर स्किन की तरह। सो गाइस हम लोग निकल गए थे, मैं उसमें कोल्ड कॉफी बना के पिया करूंगी, नहीं वो इसने जिम के रख दिया था। सो गाइस हम लोग निकल गए हैं, पहले हम लेंगे पुनीत को, क्योंकि पुनीत की ना स्कूटी खराब हो गई, वो गया था घर अपनी स्कूटी लेके, रास्ते में खराब हो गई, फिर लेट हो गया काफी, और हम सुबह से प्लान कर रहे थे पहले मूवी जाएंगे, कहीं जाएंगे कहीं जाएंगे, मैंने छेड़ी थी थार बट कहीं का भी प्लान नहीं बन पाया, फिर थकार के कोई मॉल ही जा रहे हैं। निन्नू का मेन हमारा मोटिव तो होता है कि नोना को घुमा ले, सो नोना पीछे बैठ के वहाँ खा रही है ये रे ये, और अभी पुनीत को लेंगे और फिर निकलेंगे हम। अंशु नहीं आया क्योंकि वो अपनी जिम जाना ज्यादा जरूरी है, हो ना, हाय कर दो, हाय कर दो, गंदी बच्ची है ना तू। गाइस मम्मी ने से चीज लेके दे दी थी तो ये इसलिए कहाँ हाय करेगी, और यहाँ पे ना जाम लग रहा है पुनीत को लेके। अभी तो हमें खुद ही नहीं पता हमें कहाँ जाना है, क्योंकि पहले मम्मी अभी सर्च कर रही है कोई अच्छा सा मॉल भेजेंगी फिर जाएंगे। सो आपको आगे दिखाएंगे, मैंने अपना फुल आउटफिट भी आपको दिखाया ना, उतर के दिखाऊंगी, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सो आपको दिखाऊंगी उतर के। अभी पहले जाम से क्लियर हुए ना रास्ते में, सबसे पहले अपने फोन पे सेम कवर चढ़ाएंगे क्योंकि मुझे बहुत शौक है, और ये देखो कैसे आ रहा हूँ गुंडा बन के, चैन वैन बाहर निकाल के कोई खींच के ले जा, सो गाइज मैंने ये लिए दो कवर, मेरे फोन के यहीं पे कवर वाले है ना, तो यहाँ से लिया मैंने, बेचारों ने बताया इतने सस्ते दिए 300 में दो, और यही मैं कपड़ा नगर से लेती तो 500 के दो मिलते, मस्त लग रहे हैं, 300 350 के दो। ओए देख पुनीत, पुनीत देख 350 के दो कवर, मैचिंग के बहुत अलग है, फिर भी पुनीत देख 350 के, ये देख यही मैं कमला नगर से लेती 500 के मिलते, हाँ तो यहाँ सस्ते मिलते हैं, हाँ ये बेचारे सस्ते दे, हाँ तो इन्होंने 350 में दोनों दिए, 350 के महंगे लिए तूने, नहीं भाई इतना तो सही है, अब गरीब आदमी बिल्कुल कमाए ना। गाइस हम लोग पहुंच गए मॉल, कौन सा मॉल है, क्या नाम था इसका, क्रॉस रिवर, क्रॉस रिवर मॉल में, और ये इतनी राजी होगी इसके मैंने कपड़े चेंज करे क्योंकि मॉल मुझे अच्छे लगे ना। हाय कर दो, हेलो कर दो, हेलो नोना, अब मस्ती में हुई आके तो, वाओ मॉल तो अच्छा है, कितने सुंदर दिख रहे हैं, जंगल सफारी इसमें भी चलना, चलो चलो सेकंड पे ही चलना, इसमें भी है किड जोन और थर्ड पे भी है, चलो गाइस ये हम एंजॉय करेंगे। वो एक मिनट गाइस को दिखाइयो मेरी फुल आउटफिट, मैंने बोला था दिखाऊंगी, ये देखो गाइस ये पता नहीं कैसा लग रहा है, बस 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 पूरा के जूम सिनेमैटिक बनाने लगता है गाइस, ये नोना गाइस ये मॉल ना पूरा खाली है सही में, इसका किड जोन देखो, इसमें 6 गेम मिली है 500 के कार्ड में, पूरा खाली है, बस नोना खेल रही है, गुनू और मिन्हा वीडियो बना रहे हैं, ये यहाँ खड़े हैं, उन्हें बॉल फेंक फेंक के दे रही है किको, गाइस हम तो इसके एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, हाँ बेटा ये खुश हो जाती है बस इस जगहों पे आके, ये लो कार्ड ले जाओ, कोई गेम अगर ट्राई करोगे तो, खाली है ना, इससे थोड़ा अजीब सा लग रहा था हमें कि खाली कैसे है पूरा मॉल, बेबी मम्मा को बोल दो, मम्मा को बोल दो, फेंको उधर, फेंको
फेंको उधर फेंको, फेंक दो, ओले वाह वाओ, नोना डांस करके दिखाना, लुट पुट गया। इसका फेवरेट सॉन्ग है ये गाइस, ये जो नया आया लुट पुट गया। गाइस यहाँ पर ना ज़्यादा रश नहीं है, तो यहाँ पे इसने ना इन्होंने यहाँ पे मतलब मॉल है, ये कौन सा है, क्रॉस रिवर करके कोई मॉल है, पता नहीं कहाँ पे, मुझे नहीं पता, हम तो फर्स्ट टाइम आए इस मॉल में। और यहाँ पे ना इसमें कुछ होते हैं ना बच्चे को देखने के लिए, कोई ना कोई होता है, तो वो भी नहीं है, तो मैं खुद ही आ गई नोना के पास। और वो देखो मम्मी और पुनीत वहाँ गेम खेल रहे हैं, गुनगुन की वीडियो बना रही है, निन्नू को यहाँ गेम खिलाने के लिए मैं ही आ गई अंदर। मैं कहा यार इसे मैं ही खिला लेती हूँ, अकेले नहीं खेल पा रही है बिल्कुल भी, सो इसे मैं ही खिलाने लगी यहाँ पे। गुन्नू गुन्नू ये देखो, इसका बाहर आने का मन नहीं कर रहा है, इसकी मस्तियाँ देखो, मैं इसके पास यही बैठी हुई अंदर, कोई बच्चा नहीं है, वैसे अकेली लगी हुई, कोई बच्चा होता तो और खुश हो जाती है। नोना यहाँ बेटा, देखो गाइस को हाय करो, क्या चाहिए? अब इसने कुछ और दूध दिया, किधर जाना है बेटे को? अच्छा रुको रुको मैं उतार रही हूँ बेटा, मैं उतार रही हूँ, नीचे पानी गिरा हुआ, वहाँ पे रुक जा रुक जा, गाइस रुको मैं इसे लेके जाऊँ, इसको कहाँ जाना है? हाँ बेटा जल्दी खड़ा हो, जल्दी खड़ा हो, जा जंप कर वहाँ पे जल्दी, तेज की जंप कर, 1 2 3 गो। थैंक यू। सो गाइस अभी चढ़ गई कार में, निन्नू पकड़ ले पकड़ ले, अरे वाह। और ये दोनों देखो ये बच्चों की तरह इसमें खेल रहे हैं। ओए कितने कार्ड खत्म कर दिए तुमने? बैठो बैठो डांस करो, ये निन्नू क्या हुआ? सो गाइस अब हम लोग आ गए हैं नीचे, नीचे तो काफी अच्छा है यार, ऊपर बिल्कुल खाली था, ऊपर खाली इसलिए था क्योंकि मैं आपको दिखाऊं, ये देखो किड जोन यहाँ पर है, यहाँ पर भी किड जोन है, ऊपर टॉयज वॉयज है, तो ये भरा पड़ा है, यहाँ पे बच्चे भरे पड़े, यहाँ पे बर्गर किंग वगैरह पिज्जा हट वगैरह सब है। और नोना चला रही है गाड़ी, बोरी सामने है, वो चला रही है, पीछे येलो कलर की है, ये अंकल आ गए, अंकल ने नोना कवर कर ली। सो गाइस ये पीछे आ रही निन्नू, अंकल हट ही नहीं रहे यार, कैसे दिखाऊं ये लोग, तो ये आ रही नोनू, बाय नोना, ओए नोने, इसको ट्रैक्टर पे बैठना था, ट्रैक्टर खाली नहीं मिला तो इस पे बैठी है ये। और ये लोग यहाँ बैठे हैं खाने के लिए, क्योंकि इसके पास ना काफ़ी रीजनेबल रेट में है, तो ये गुन्नू यहीं पे ऑर्डर करने लग गई। ये वाला ट्रैक्टर बहुत अच्छा लग रहा है क्या? सो गाइस हमने लिया यहाँ पे ये खाने के लिए, ये सब निन्नू की चीजी है। गुन्नू और क्या लिया? और क्या लिया गुन्नू? गुन्नू और क्या लिया? दो मोजिटो, चिली पोटैटो और सैंडविच। सैंडविच तो उन्होंने खा लिया? नहीं यहाँ मैंने बोल दिया था, यहाँ से लेके आए हैं। अच्छा सो गाइस अब हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। और ये देखो नोना ने क्या लिया है, नोना दिखाओ, नोना ने पप्पी लिया है, बाबू कह रही है भाई ये मेरा बाबू है। गुन्नू तेरे को देख के कितने का कहा था ये? 400। गाइस इसको कम ही नहीं कर रहा था भैया, मैंने कहा भैया मैं 350 करूंगी, बात खत्म। मैंने 300 नहीं बोला, मैंने 250 बोला था, इसलिए मुझे भगा दिया। मैंने बोला भैया देखो हम लुगाई हैं, घर जाके हमारा खाना ना पचेगा जो कम ना करा आपने तो। और चाहे भैया मॉल हो चाहे कुछ हो, हम इंडिया की लुगाई हैं, कम करे बिना लेती ना हो कुछ भी। 30 रुपए कैश नहीं है क्या? 100 का नोट पड़ा है ना उधर, पम्मी कहाँ रख दिया? लिया लिया भैया, ले ले खुले ही ले ले। नोनू छोटा बेबी किसका है ये? और अब पुनीत गाड़ी चला रहा है गाइस, और हम लोग बैठे हैं अब। भैया दिनेश नोना ये इसमें लगी पड़ी है, देखो आइस भी है इसकी छोटी। तो गाइस हम लोग आ गए हैं घर, और ये थे कह रही हूँ मैं, ये तो चले गए, और बाकी दोनों यहाँ हीटर चला के बैठ गए हैं। गुन्नू अपने गोड्डे सेक रही है, क्योंकि गुन्नू का दिमाग ना गोड्डों में है, तो उसको दिक्कत होती है, दिमाग पे ठंड लग जाती है। तो सब मैं चेंज करती हूँ, मुझे रील्स वगैरह बनानी है और कपड़ों की, तो मैं वो बना लेती हूँ, फिर मिलते हैं यहाँ से कपड़े चेंज करके। सो गाइस मैंने कर लिए कपड़े चेंज, ये वाला सूट वेयर करा है, इसका मुझे कोलैब करना था। अब आप लोग सोच रहे होंगे सूट कशिश का मैंने क्यों पहन लिया, बट ये मेरा ही था, ये मेरा पहन के मेरा पहना था, कल के व्लॉग में बता दिया था, अब भी बता। हाँ नहीं गाइस को कंफ्यूजन ना हो जाए ना, और इसने फिटिंग करा दी, पर गुन्नू तेरी फिटिंग का सूट मुझे परफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब मुझे तेरी फिटिंग के सूट सिलवाने चाहिए। सो प्यारा सूट है ना गाइस, चलो मैं इसका कोलैब कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस फाइनली अब मैं लेंस वेंस अपने निकाल के बैठ गई हूँ, कपड़े वपड़े बदल के, और देसी घी की खुशबू आ रही है,
आजकल तो देसी घी में खाना बन रहे हैं गाइस हमारे घर में, क्योंकि हमारे घर में ना घी पड़ा हुआ था, कोई नहीं खाता पापा के अलावा कोई भी, पर मैंने देसी घी में एक दिन दाल खिचड़ी बना दी, इन्होंने चुपचाप खा ली, इन्हें पता ही नहीं लगा। तो अब मम्मी भी रोज ऐसी कर रही है कि पता ही ना लगे, बना देती है, सब खा लेते हैं, पापा को पता है, मुझे पता है, और किसी को नहीं पता कि देसी घी में खाना बन रहा है। अंजू कुन्नू थोड़ी देख रहे हैं, मम्मी पर्पल लाइनर चली करते ना। चलो गाइस मैं थोड़ी देर में, सो गाइस यहाँ पे हम सब खा रहे हैं खाना, और ये चिपक गई पापा जी, पापा ने खा लिया। ये देखिए राइस, दाल, रोटी, अचार, मिर्च का अचार, मिर्च का दादा है, बहुत बड़ा अचार है। सो चलो खाना खा लें आपसे, फिर मिलेंगे विद सावधान, ये बहुत जरूरी है हमारे घर में, सब देखते हैं, मम्मी मैं और गुन्नू, पापा रज्जू नहीं, शातिर होते हैं इसे देख देख के हम फिर भी शातिर नहीं हो रहे, लोग हमारा तब भी काट ही देते। हाय गाइस, मुझे दिखा मुझे, अच्छा ठीक है ठीक है, मम्मा हाउ को बुला दो, फिर हाउ को बुला दो, बुला दो, रात के 3 बजे भी ऐसे नहीं सोना, हाउ को बुला दो, 1 2 3 हाउ आजा। गाइस रात के 3 बज रहे हैं और नोना का हेलो गाइस सोने का सवाल नहीं है। हेलो, और अभी इससे पहले ना 2 क्लिप बनाई है इसने, छोटी छोटी सी, नहीं अच्छा ठीक है, ये देखो मम्मा पे हाथ उठा रहे हो, क्या चाहिए क्या चाहिए, अच्छा ले 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 फोन पकड़ ले, ले ले कैमरा पकड़ ले, बस हाथ तो हटा कैमरा पे से, यहाँ से हाथ हटा, यहाँ से ये देख, तभी तो तू आएगा, बना ले खुद बना ले, ऐसे थोड़ी व्लॉग बनता है बेटा। गाइस आपको बता रही है मम्मा मार रही है मेरी चिकैर लगा रही है गाइस से, रूरू के मुंह दिखा रही है अपना। ओए नोना आ गई, नोना ऐसे दिखा ऐसे, ओए नोना आ गई। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं, हम सुबह सो के उठ गए हैं, देखो कब से 9 बजे की उठी हुई हूँ, बोल रही हूँ किचन खाली कर दो तो खाली नहीं कर रहा, बेसन के चीले बनाने हैं मुझे गाइस, मैं पता है 9:30 मेरी आंख खुलने का टाइम है, खुल जाती है, पर मैं क्या करूं जब सब ऐसे मरे पड़े होते हैं तो मैं मर जाती हूँ। बिस्तर यार मैं अकेले उठ के करूंगी क्या, यही तो मैं तुम्हें समझाती हूँ, जब तुम मुझे कहते हो उठ के तूने क्या कर लिया, तो आप तो माँ हो, आप उठ के करा करो काम, तो माँ तो तू भी है, तो मेरा बच्चा तो यही पड़ा होता है, मैं उठ के करूँ, मेरे बच्चे भी यही पड़े हुए हैं। सो गाइस चलो ये वाले व्लॉग का हम करते हैं यहीं पे, फिर आपसे मिलेंगे न्यू व्लॉग में, और बच्चों को भी इन्विटेशन दे दे, तब तक टाटा बाय बाय लव यू, इन्विटेशन दे दे राम उसमें भाई हमारे रामचरण में, क्या इन्विटेशन दे दो, अरे भाई लोग के माध्यम से बने तो रहते हैं बच्चे, अच्छा भाई बच्चों मेरा मैसेज है सभी बच्चों को, 22 तारीख को जी व्लॉग देखना है, व्लॉग नहीं देखना, राम प्रतिष्ठा जो हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा चल रही है राम जी में, तो हम लोग वहां नहीं पहुंच पाए, तो हम लोग अपने यहाँ पे एक प्रोग्राम रख रहे हैं, सुंदरकांड का पाठ है, भंडारा है और हवन है, तो आप लोग भी व्लॉग के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहें और अपने घर में दिवाली मनाएं। सो गाइस आप लोग भी 22 तारीख को बहुत अच्छे से अपने घर में पूजा वगैरह करना और बहुत सारी डेकोरेशन करना, जैसे दिवाली पे करते हैं, असल में तो वैसे हम लोग दिवाली, मैं तो ये चाहती हूँ कि 22 तारीख को दिवाली घोषित कर दी जाए, हो जाएगी, पूछो क्यों, क्योंकि हम जो है दिवाली इसलिए मनाते हैं कि 14 साल बाद राम जी वनवास काट के घर आए थे, लेकिन उन्हें स्थान नहीं मिला था, उन्हें असल में स्थान मिला है। सो आप लोग कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं 22 जनवरी के लिए जरूर बताना कमेंट में, और 22 तारीख को छोटा सा फंक्शन है हमारी गली में, पूरी गली वालों के योगदान से, सो आपको व्लॉग देखने को मिलेंगे, उसी के लिए मैं अपने आउटफिट सिलवा रही थी, अपने सूट वगैरह डिजाइन करा रही थी, तो जय श्री राम कर देना कमेंट्स में, और बताना आप लोग भी कैसे कैसे पूजा करोगे, कितने एक्साइटेड हो, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।